हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है वो आपको, कहता है अ ग्लास प्रिज्म हैज़ अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। ग्लास प्रिज्म है जिसका एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि ये हम ए से लिखेंगे, ये कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ पर है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो ये आपके पास क्या है यहाँ पर डेल्टा एम कितना दिया हुआ है आपको 40 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। फिर उसके बाद कहता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू निकालना है आपको, यानी कि ग्लास प्रिज्म का म्यू निकालना है, ठीक है। एंड कह रहा है एट व्हाट एंगल शुड द रे बी इंसिडेंट सो एज टू सफर मिनिमम डेविएशन। देखो एंड वाला पार्ट ये बाद में करते हैं, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। देखो डेल्टा के अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये था इसमें एक फॉर्मूला आपके पास I1 प्लस में I2 माइनस में A, और एक डेल्टा के लिए फॉर्मूला था जिसमें हमने एंगल ऑफ डेविएशन वाले में निकाला था, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन में, उसमें अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला आया था आपके पास म्यू माइनस वन इंटू में ए। तो देखो इस वाले फॉर्मूले से तो म्यू नहीं निकल सकता, इसी से निकल सकता है। अब आप कहोगे यहाँ तो डेल्टा एम दिया हुआ है मिनिमम डेविएशन वाला, कोई बात नहीं, लेकिन म्यू के लिए तो हमारे पास यही फॉर्मूला है एक, ठीक है। तो इसमें डेल्टा की वैल्यू हम ये डेल्टा एम वाली ही पुट करेंगे, क्लियर है। तो देखो ज़रा, तो यहाँ पर जो डेल्टा हो जाएगा आपके पास वो होगा म्यू माइनस वन इंटू में ए, और डेल्टा एम ये वाला है तो ये डेल्टा एम ही हम मान लेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो ना इस बात को, क्योंकि म्यू का यही फॉर्मूला बनता है जिसमें से म्यू निकल सकता है। तो है तो ये डेल्टा ही, वो मिनिमम डेविएशन वाला है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन है तो डेल्टा ही, एंगल ऑफ डेविएशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 40 डिग्री, यहाँ पर म्यू माइनस वन और ए है हमारे पास 60, तो देखो ये 40 बाई 60 हो जाएगा, और इधर बचा आपके पास म्यू माइनस वन, तो ये 2 2 2 3, ये आ गया आपके पास 2/3, और ये माइनस वन इधर जाके प्लस वन बनेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये हम एलसीएम लेंगे 3 आएगा, और 3 3 को डिवाइड करो 1, 1 इंटू 2 2, प्लस में 1 और 3 को डिवाइड करो 3, 3 इंटू 1 3, और ये आ जाएगा आपके पास 5/3, म्यू की वैल्यू आ गई 5/3। अब अगर इसको आप पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो पॉइंटों में भी लिख सकते हो, 3 1 3, ये 2 और ये 0 लगेगा तो पॉइंट, एंड 3 6 18, फिर ऑन सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो 1.6 बस इतना लिख देते हैं हम यहाँ पर, म्यू कितना आ गया हमारे पास, ये 1.6 आ गया, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता इसलिए नॉर्मल ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। 1.6 आ गया आंसर, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब चलो एंड वाले पार्ट पे चलते हैं, क्या कहता है वो, एट व्हाट एंगल शुड द रे बी इंसिडेंट, किस एंगल पे इंसिडेंट करें रे को ताकि क्या हो जाए वहाँ पर सफ़र मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का केस बन जाए। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन अगर आपको याद है, अगर हम आपने प्रिज्म फॉर्मूला किया है तो वहाँ पर अगर याद है आपको I1 इज इक्वल टू में I2 इज इक्वल टू में I था, I1 इंसिडेंट होता है, I2 इमरजेंट वाला होता है एंगल जो जब बाहर निकल रही होती है रे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, I के, मतलब क्या है ये इक्वल होने चाहिए, I1 और I2 इक्वल होने चाहिए, और जो भी वो एंगल होगा उसको हमने I मान लिया, यही मतलब था, वहाँ समझाया था मैंने आपको, ठीक है। तो देखो डेल्टा का ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू में I1 प्लस में I2 माइनस A, ये है, ठीक है। और फॉर मिनिमम की बात करें अगर हम, फॉर मिनिमम डेविएशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ डेल्टा एम, और I1 की जगह भी I आएगा और I2 की जगह भी I आएगा और माइनस में A, ये क्यों है कंडीशन, I1 इक्वल टू में I2 होता है और इसको हमने I के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो ये 2i माइनस में A और ये डेल्टा एम, ये आपको याद भी होगा प्रिज्म फॉर्मूला में ये इक्वेशन बनी थी हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम ये I निकाल सकते हैं, और I ही क्या है, इंसिडेंट और एमरजेंट दोनों ही एंगल है, तो यहाँ वो इंसिडेंट पूछ रहा है, अगर एमरजेंट एंगल भी पूछ लेता तो वो भी यहीं से यही बनता, कितनी बात क्लियर है या नहीं है, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के केस में इंसिडेंट और एमरजेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्लियर इतनी बात। तो यहाँ से I निकल जाएगा तो वो I1 और I2 के इक्वल ही है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 है, तो यहाँ 40 लिखेंगे, 2i माइनस में A कितना है हमारे पास 60 है, तो ये माइनस 60 इधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा, और ये 2i और ये हो जाएगा 100, और इधर भी ये 2i, और I कितना आ जाएगा देखो 100/2 यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, तो I कितना आ गया आपके पास 50 आ गया, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो कितना होगा आपके पास 50 डिग्री होगा, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। और I ही किसके इक्वल है यहाँ पर, I1 के इक्वल है, जो कि इंसिडेंट एंगल है आपके, क्लियर है इतनी बात बताओ, आया समझ में कैसे निकालना है हमने ये, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके पास, तो ये अच्छे से करने हैं आपको क्वेश्चन, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 2018 के CBSE के एग्जाम में आया भी हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।